जो बाइडन सरकार क्यों हारी है, कमला हैरिस क्यों हारे हैं, क्योंकि वन ऑफ द रीजन वाज द इमिग्रेशन, जो इलीगल इमिग्रेशन इतने पैमाने से लोग आ रहे थे और उसमें से स्पेशली एशिया में और इंडिया का नाम बहुत आगे आता था, क्योंकि वो तो प्रमोट करते थे, वो तो इनकरेज करते थे भी ठीक है आना, आने आने दो, नॉट ओनली आने दो, उसके बाद उनको होटलों का खर्चा, उनके रहने का खर्चा, उनके और कितने कितने खर्चे जो लोकल जो जो हमारे जैसे टैक्स पेयर थे उन पे पड़ता था। इंडिया के हर स्टेट से यूएस में लोग जाते हैं, आंध्र से भी बहुत लोग जा रहे हैं, महाराष्ट्र से भी बहुत लोग जाते हैं, गुजरात से भी बहुत लोग जा रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ट्रेंड देखने को नहीं मिला कि लोग असाइलम फाइल कर रहे हैं या इंडिया को गाली दीजिए या इंडिया में केस लगाइए और उसके आधार पर असाइलम फाइल करिए। ये पंजाब में ये ट्रेंड क्यों आया और कैसे आया? अकेले पंजाब का नहीं है, नहीं मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे केसेस कई बार रिपोर्ट हुए सामने आए, इसलिए मैं पंजाब को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सवाल कह रहा हूँ। रियलिटी आपके क्वेश्चन में बिल्कुल डेफिनेटली बहुत सच है, आज तक यही इंप्रेशन पड़ता है पंजाब से जाते हैं पॉलिटिकल असाइलम करके वो करते हैं, नहीं। इंडिया में से तीन स्टेट्स हैं जहां से मैक्सिमम इलीगल माइग्रेशन हुई है, उसमें सबसे पहले गुजरात है, नंबर दो पे हरियाणा है, पंजाब नंबर थ्री पे है, क्योंकि पंजाब में इतना यूथ बाकी नहीं है और कहां जाएगा, और जितना जाना था वो बहुत देर से जा रहा है, अलग अलग कंट्री से जा रहा है। लेकिन जो आप साउथ इंडिया की माइग्रेशन कह रहे हो वो बिल्कुल प्रॉपर जो लीगल जो फॉर्मेट है वहाँ के लॉज एंड ऑर्डर हैं उसके उसको फॉलो करते हैं, किसी के H1 का है वो लाइन में रहते हैं, दे स्टे इन द लको एमबीक्यू में उनका नंबर आता है, तो दे गो देयर, को एजुकेशन बैकग्राउंड होती है, उनकी स्किल सेट होती है, उनकी रिस्पेक्ट भी है। प्रॉब्लम लोकल कम्युनिटी की भी वही, अमेरिकन कम्युनिटी की भी यही है, भी एक आदमी इलीगल बॉर्डर क्रॉस किया, उसको आप एक महीने के बाद एक बेल करके, और खालिस्तान पन्नू एंड पार्टी की दुकानदारी भी उनके सिर पे चल रही है, और उसके उसको आप एज ए जो आपने होते हैं ना भी जमाई, पंजाबी में कहते हैं जमाई होते हैं ना, जो कोई गेस्ट होते हैं परौने होते हैं उनको, उनके रहने का खर्चा भी जो लोकल कम्युनिटी के पड़ता है हमारे टैक्स पेयर पे पड़ता है, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी थी इलीगल इमिग्रेशन। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न के जो स्पेशली बाइडन और डेमोक्रेट्स की हार का जो हिस्सा बना, ठीक है। लेकिन ये आप बात कर रहे हैं तो लोकल गवर्नमेंट को पता था, क्योंकि उनकी इंटेंशन थी भी जितना इलीगल माइग्रेशन हो जाएगी एवेंचुअली दे वांट टू कन्वर्ट इनटू जो उनका वोट बैंक था। नहीं, मेरा सवाल इस चीज को लेकर था चहल साहब कि ये जो यहाँ पर आपने ठीक कहा कि पंजाब में तो इतना यूथ बचा नहीं, लेकिन फिर भी मैं इस ट्रेंड की बात कर रहा हूँ कि असाइलम सीकर असाइलम के नाम पर जाने का जो ट्रेंड है, और उसमें यहाँ के केसेस अगर हैं तो FIR कराई, उस FIR की तीन रिमाइंडर डाले, कॉपी दिखाई, वहां पे कर दिया, तो क्या उनकी गवर्नमेंट ये चेक नहीं कर रही कि ये फ्रॉड असाइलम सीकर है, इसके खिलाफ कोई ऐसा केस है नहीं, बस जस्ट टू गेट दी एंट्री वो इस तरीके के रूट का इस्तेमाल कर रहा है, और इसको भले ही पन्नू जैसे लोग प्रोटेक्ट कर रहे हों या कुछ इंटरेस्ट ग्रुप हों जो प्रोटेक्ट करते हों, लेकिन ये तो आप कह रहे हैं कि आप अमेरिकन टैक्स पेयर हैं, भाई आपकी जेब पे पड़ रहा है इसका असर। नहीं सर, इसके दो आंसर है मेरे पास। पहली बात तो जो इंडिया की तरफ से ब्लंडर हुआ है, ब्लंडर ये हुआ है इंडिया की तरफ से, बिल्कुल। कैसे? जैसे अमेरिकन यूएस जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास सारी इंडाइटमेंट पड़ी है, इंडाइटमेंट आप भी पढ़ सकते हो, मैं भी पढ़ सकता हूँ, दुनिया भर में पड़ी है भी, कैसे कैसे लोगों को, एक यूएस सिटीजन को जैसे पन्नू को, मेरा पन्नू के साथ ऐसा नहीं अभी, ठीक है आइडियोलॉजिकली उसको उसके डिफरेंस, एंड ऑफ द डे ही इज अमेरिकन सिटीजन एंड ऑल्सो इज कैनेडियन सिटीजन, लेट्स टॉक अबाउट हिज कैनेडियन अमेरिकन सिटीजन। अमेरिकन सिटीजन को टारगेट करना, मरना मराना और अमेरिकन सोयल पे अनएक्सेप्टेबल, गलती है, उसकी वजह से उसको सिंपति भी मिली है। अगर कोई आदमी पॉलिटिकल असाइलम करता है खालिस्तान के नाम पे, उसको पास बहुत अच्छी जस्टिफिकेशन थी भी, देखो जी मैं तो खालिस्तान का सपोर्ट करता था, मैं पन्नू की भी सपोर्ट करता हूँ, ये मेरे पास FIR भी रजिस्टर्ड हैं, अगर मेरे को वापस भेजा तो इंडियन गवर्नमेंट तो मेरे को तो मारेगी, क्योंकि वो तो जहाँ लोगों को मारने आ रही है, पन्नू को अगर जहां मारने आ रही थी ना, वो अगर किसी का केस है तो आरोप है ना, कुछ प्रूव तो नहीं हुआ सर, है। मैं अभी तो उनकी और ये तो पॉलिटिकल असाइलम जिन लोगों ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो आरोपों का सर, मैं ये नहीं कह रहा अभी इन करवाया है, जो इंडाइटमेंट में आया है, जो मीडिया में आ रहा है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। उसको मोटिवेटेड क्यों ना माना जाए, उसको जब आप कह रहे हैं कि वहां की सरकार जो है वो एक सिंपैथी रखती है ऐसे एलिमेंट्स के खिलाफ, क्यों ना माना जाए कि इसके अंदर कहीं ना कहीं जो है एक गवर्नमेंट सिंपैथी है कि इस तरीके के केसेस को उठाया जाए और आरोप सच्चा है झूठा है जो भी है, लेकिन उस आरोप को बढ़ावा बनाया जाए। बिल्कुल सर, मैं 100% एग्री करता हूँ, लेकिन इसीलिए मैं नहीं कह रहा हूँ वो सच है या झूठ है, लेकिन यूएस डिपार्टमेंट और केस जो है यूएस कोर्ट में है और इंडाइटमेंट है और डॉक्यूमेंटेड है,
उनके पास उनके एविडेंस काफी उन्होंने ऑलरेडी पब्लिक कर दिए और कुछ लोग एक्सट्राडाइट कर भी चुके हैं वो तो ना ठीक है ना, ये चीजों को हम ऐसे नहीं कह सकते भी हवा में है सारा, कुछ लोगों की एक्सट्राडिशन हो चुकी है न्यूयॉर्क की जेल में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उसके ऊपर कमेटी बनाई, इसलिए लोगों के खिलाफ एक्शन भी हुआ है, हुआ ना, और उसकी वजह से एक मैसेज आता है जो लोकल अथॉरिटी है, इमिग्रेशन जज है, उसको भी सुनना पड़ेगा ना भी। देखो कोई कोई कंट्री का कोई स्टेट जहां अमेरिका में आकर मरवाने की कोशिश कर रही है, अगर मैं इस आदमी को जो एक 20 साल का 25 साल का, आप कहना चाहते हैं कि ये एक पॉलिसी चूक हुई, इसने उनको जो है मदद दे दी। एग्जैक्टली सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।